ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है नील बटे सन्नाटा की स्टार कास्ट। पंकज, आपके माँ बाप क्या चाह रहे थे कि क्या आप करें? डॉक्टर बनाना चाहते थे। डॉक्टर पंकज त्रिपाठी। हाँ, डॉक्टर पंकज त्रिपाठी। तो मैं बना नहीं बाबूजी, बोला टर रहेगा, डॉक्टर की जगह एक्टर होगा, टर रहेगा नाम में। बट वो किसान सिंपल लोग हैं, तो बहुत थोड़ी सी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बन जाए तो अच्छा रहेगा नाम के पीछे। जब उनको लगा कि ये बायोलॉजी नहीं ले रहा है तो बोले PhD कर ले, वो वाला डॉक्टर बन जाए। क्या बात है, मतलब कहीं हाँ कहीं से एकदम मतलब टर रहेगा। तो बाकी वो कभी विरोध नहीं, वो चूँकि गांव से हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो गार्जियन आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं क्या बनना है। बाबू जी एक बार पूछे थे रोजी रोटी चल जाएगी तुम्हारी, मैं बोला हाँ, निकल लिया गाँव। एक सीन है प्रोमो में जब वो लड़की बोलती है उसकी माँ को, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर की लड़की, डॉक्टर ये इसकी लड़की है, तो भाई की लड़की भाई। वो कहीं फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट उस समय आपको महसूस होता अब कि शायद उनको आया होगा जब आपने कहा होगा मैं एक्टर बनने जा रही हूँ? मेरे माता पिता को, आई मीन डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो कोई अब वो थोड़े रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि आई थिंक कि जब से रांझणा के बाद से, चूँकि अब यू नो थोड़ा सा एक नाम है, और वो और उनके दोस्त उन्हें बोलते रहते हैं कि अरे स्वरा के बारे में पढ़ा या स्वरा की फिल्म देखी, या वो तो उन्हें लगता है कि हाँ अभी मतलब दे फील प्राउड। नहीं, वो एक्चुअली उनका डर खत्म हो रहा है, क्योंकि नहीं तो वो बहुत सालों तक बहुत डरे हुए थे कि भाई ये क्या है, ये कब तक चलेगा। मेरे पिताजी ने तो एक बार पूछ लिया था मुझे कि बेटा क्या लग रहा है, हो पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ खास हो पाएगा तुमसे, क्यों नहीं तुम वापस आके कुछ एक स्टेबल सा जॉब कर लेते हो, क्योंकि देखो बेटा मैं तो जिंदा नहीं रहने वाला अभी बहुत, यू नो हमेशा के लिए तो नहीं रहूँगा ना, तो तुम्हारा क्या। मेरे फादर लॉजिकल सोच रहे हैं कि उनकी एक फाइल है डॉटर, मेरे फादर ब्यूरोक्रेट हैं, तो वो हर चीज़ को बहुत ही इस तरीके से देखते हैं। हाँ, अब उनका डर खत्म हो रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा एक सक्सेस देख रहे हैं। ये वो जो आप लाइन कह रहे हो ना, वो एक्चुअली फिल्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है, चंदा के लिए भी, मेरे किरदार के लिए भी, क्योंकि वो एक तरह से वो बच्ची वो जो बोल रही है, वो जो बच्ची बड़े कैजुअली बोल रही है, वो तो सोते सोते उठी है, वो अपनी माँ को कह रही है कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि तुम मेरे लिए सपने देखो। तो आई थिंक कि वो हमारी जो पूरी फिलॉसफी है फिल्म की, उसका एक बहुत एक अच्छा मोमेंट है, जहाँ पे आप बेसिकली ये कह रहे हो कि नहीं यार कोई बात नहीं कि आप किसके बेटे या बेटी हो, आपको फिर भी आके सपने देखने का। आई एम सॉरी टू टेक इट टू होल अदर लेवल, लेकिन जो मुझे लगता है कि जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो फोर फादर्स एंड नेशन के, जब उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई की थी, तो ऑलमोस्ट सब ने ये बोला था, भगत सिंह हो गए, गांधी हो गए, टैगोर हो गए, नेहरू हो गए, कि ये हम सिर्फ अंग्रेज़ों से छुटकारा या अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उस गुलामी से भी छुटकारा पाने के लिए लड़ रहे हैं जो कहता है कि आप वही बनोगे जो आपका बाप था या आपकी माँ थी। तो एक वो जो सपना था, तो इन सम सेंस ये सपना हमारे इतिहास में है, ये हमारे देश, हमारा देश इस सपने से जन्मा है, और ऑफकोर्स हमारी लाइफ में तो है ही। क्या बात, इन लोगों के विश्वास को देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि नील बटे सन्नाटा एक बहुत खूबसूरत फिल्म होगी। जाइए और देखिएगा ज़रूर, और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी फिल्म। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।